दात्री है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं मेरी माँ। हेलो हाय दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल हैप्पी त्रिवेदी व्लॉग। मैं आपका कोजी दोस्त हैप्पी त्रिवेदी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल हैप्पी त्रिवेदी व्लॉग में। आज हम आप पहुंचे हैं झांसी और यहां से हम जाएंगे दतिया, जहां पर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है श्री पीताम्बरा देवी का मंदिर, जिसके बारे में आपने जरूर थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, क्योंकि ये माता है राजसत्ता की माता कही जाती है और इस वजह से इस मंदिर में बहुत वीआईपी लोगों का आने जाने का तांता लगा ही रहता है। तो आज मैं ले चलता हूं आपको दतिया पीताम्बरा माता मंदिर, कैसे पहुंचना है, कितना रुपए का खर्च लगेगा, कौन से दिन जाना चाहिए, सारी डिटेल मैं लेके आया हूं। तो चलते हैं सीधे पीताम्बरा देवी। अभी हमने झांसी रेलवे स्टेशन से ऑटो पकड़ा है शिवपुरी बस स्टैंड के लिए। यहाँ से आपको ऑटो वाला लेगा आपसे 20 रुपए और वो आपको छोड़ेगा शिवपुरी बस स्टॉप, वहां से हमको दतिया के लिए बस मिलेगी। तो अभी हम निकल चुके हैं शिवपुरी बस स्टॉप के लिए। आ चुके हम लोग शिवपुरी बस स्टॉप पे और यहाँ पर हम लोगों ने बात की तो पता चला कि हर 10-15 मिनट में एक बस यहाँ से निकलती रहती है दतिया के लिए, तो ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, बस आ ही रही होगी। तब तक यात्री प्रतीक्षालय में बैठकर बस का इंतजार करते हैं। इंतजार हो गई तेरे प्यार की, जल्दी बस आ गई, नहीं तो आपको और भी खतरनाक गाना सुनने को मिलता आपका खतरनाक सिंगर हैप्पी त्रिवेदी द्वारा। तो दतिया जाने वाली बस मिल चुकी है और मैं बैठने जा रहा हूँ। 50 रुपया की टिकट लगी है, पर पर्सन 50 रुपये लगेंगे आपके दतिया तक पहुँचने के लिए। वहाँ से आपको 1 किलोमीटर के लिए एक ऑटो लेना पड़ेगा, ये पता चला है अभी तक हमें जानकारी मिली है। और मैं अभी सीट में बैठता हूँ जाके और फिर मैं आपको बताता हूँ जितनी मुझे जानकारी है दतिया के पीताम्बरा देवी मंदिर के बारे में और ढेर सारी बातें जो हमें यहाँ के लोकल रहने वालों ने बताई, वो सारी मैं बातें बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि माता पीताम्बरा देवी राजसत्ता की माता है, इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता है, चाहे वो फिर हमारे CM योगी हों या अमित शाह हों या राहुल गांधी हों। बताया जाता है जब इंडिया चाइना युद्ध हो रहा था सन 1962 में, तो यहीं पर ही नेहरू जी ने हवन कराया था और यज्ञ के अंतिम अर्थात 9वें दिन युद्ध समाप्त हो गया था। वह हवन कुंड अभी भी मंदिर परिसर में स्थित है। यहाँ पर पीताम्बरा माता के साथ साथ माँ धूमावती का भी मंदिर स्थित है, जो कि पूरे भारत का इकलौता एकमात्र मंदिर है। माँ धूमावती मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर के कपाट सुबह और शाम 2 टाइम ही केवल आरती के लिए खुलते हैं और यहाँ पर शादीशुदा स्त्रियों का आना वर्जित है, या कहें उनका दर्शन करना वर्जित है। इसका कारण यह है क्योंकि यहाँ पर माता का विधवा रूप दिखाया गया है। यहाँ पर माता के मंदिर के अलावा महाभारतकालीन वनखंडेश्वर महाराज भी विराजित हैं। एक और रोचक बात यहाँ के रहने वालों ने हमें बताई कि जहाँ पर इस समय मंदिर स्थित है वहाँ पर पहले श्मशान था। और एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात यहाँ के रहने वालों ने हमको बताई, पीताम्बरा देवी की मूर्ति का स्वरूप दिन में 3 बार बदलता है। सुबह आप दूसरे रूप में देखेंगे, दोपहर में आप दूसरे रूप में देखेंगे और शाम की आरती के समय माँ का स्वरूप दूसरा होता है। यह आश्चर्यजनक बात है और आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है कि यह आखिर होता कैसे है। ये है झांसी ग्वालियर टोल प्लाजा। अब आप सोच रहे होंगे कि एकदम से लैंग्वेज कैसे चेंज हो गई, तो ये आर्ट के आर्टिस्ट से मैं मिलवाता हूँ, जो है 10 के 2, 20 के 4 समोसे। गरम समोसे 10 के 2, 20 के 4 समोसे 10 के 2, 20 के 4 समोसे खाते खाते सेट कर लेता हूँ यार, आर्टिस्ट के साथ बिल्कुल जुड़ गया मैं। समोसे खाते खाते मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मैंने MP में ही देखा है कि ओवरब्रिज की जो दीवारें हैं उसमें कुछ ना कुछ बेहतरीन पेंट करके बना देंगे, पेंटिंग बना देंगे, जिससे दीवारें और अच्छी लगने लगती हैं। सच में देखो कितनी अच्छी लग रही हैं। हमारे यहाँ भी कानपुर में बहुत सारे ओवरब्रिज बने हुए हैं, बहुत जगह मैं और भी गया हूँ लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिखा। ये MP में ही मैंने अधिकतर देखा है कि ओवरब्रिज की जो दीवारें हैं उसमें कुछ ना कुछ पेंट किया हुआ है। बहुत गजब का लगता है भाई, मतलब ये काम बहुत सराहनीय, मजा आया। ऐसा सब जगह होना चाहिए, दीवारें और अच्छी लगेंगी। क्या कहते हो आप लोग, कमेंट करके बताओ ये बात अच्छी है कि नहीं है। हम आ चुके हैं चुंगी बस स्टॉप पे। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है माता का मंदिर, यहाँ से हमें ऑटो करना पड़ेगा और 10 रुपए पर सवारी लेगा ये ऑटो वाला, तो हम बैठते हैं ऑटो में।
फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पीताम्बरा माता मंदिर के जस्ट सामने। बोलो सच्चे दरबार की जय, जय श्री पीताम्बरा पीठ की। चलो अंदर चलते हैं। ये बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? समस्त श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन है कि मंदिर परिसर में मोबाइल ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। कृपया मोबाइल घर में जमा करें, सहयोग के लिए धन्यवाद। अरे ये क्या यार, वीडियो बना ही नहीं पाएंगे। चलो मैं अंदर जाके कहीं ना कहीं इनका ऑफिस होगा वहाँ बात करता हूँ, कुछ अगर बात बनती है तो फिर आगे का रिकॉर्ड करते हैं, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ, बात करके आता हूँ। तक के लिए जय माता दी। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा मैं कि मैं आगे का वीडियो आपको मंदिर का नहीं दिखा पाया, क्योंकि यहाँ के मैनेजमेंट से हमारी बात हुई और उन्होंने साफ मना कर दिया कि वीडियो नहीं बना सकते, रूल हैं, तो हम रूल का पालन करेंगे। और वहाँ से दर्शन करके वापस आ गए। दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा माहौल था मंदिर के अंदर का। और शनिवार के दिन बहुत ज़्यादा मानता है यहाँ पर, आज हम शनिवार के दिन नहीं आए थे लेकिन शनिवार के दिन की बहुत मानता है कि यहाँ पर शनिवार के दिन हम बहुत पीछे से लाइन लगती, इतना मतलब बैरिकेड अंदर लगा हुआ था। और यहाँ के पंडित जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने एक बहुत विशेष बात बताई। उन्होंने बोला कि आप कोई मनोकामना लेके आए हैं और आप लगातार 7 शनिवार अगर आ गए इस मंदिर में तो आपकी वो मनोकामना 7वें शनिवार तक पूरी हो जाएगी। या तो आपकी मनोकामना 7वें शनिवार तक पूरी हो जाएगी या आप 7 शनिवार तक यहाँ पर आ ही नहीं पाएंगे, उससे पहले ही आपका कुछ ना कुछ ऐसा मतलब विघ्न हो जाएगा जिससे आप शनिवार को यहाँ आ नहीं पाएंगे। तो अगर आप कुछ मन में रखे हुए हैं तो आप 7 शनिवार लगातार आइए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये इस मंदिर के बारे में बहुत विशेष बात पता चली और इसीलिए यहाँ पर शनिवार को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो आप एक बार आप आइए जरूर तृतीया के पीताम्बरा पीठ में और देखिए अंदर से कैसा दिखता है मंदिर, और बहुत कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होगी। तब तक के लिए जय माता दी, थैंक यू, बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल हैप्पी त्रिवेदी व्लॉग। थैंक यू वेरी मच।